क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैपिटल गेन्स। मिस्टर पी सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 30th नवंबर 2023 फॉर रुपीज 7,50,000। तो मिस्टर पी ने एक घर था उनके पास, उसको 7,50,000 में बेचा है 30th नवंबर 2023 को। ये हो गया सेल्स प्राइस। ही हैड अक्वायर्ड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस्टर ओ अंडर अ विल ऑन 1 जून 2011 एंड एक्सपेंडेड रुपीज 36,800 ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट इन 2011-12। मिस्टर पी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, मिस्टर ओ से विल में वसीयत में इनको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे वसीयत में मिला है तो क्या हुआ, हम मानेंगे कि 1/6/2011 को इन्होंने परचेज किया है, वही विल वाली डेट को, ठीक है। 11/12 में जो इम्प्रूवमेंट हुआ था उसको भी हम कंसिडर करेंगे, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाल के, ठीक। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 अप्रैल 2001 के बाद कोई भी इम्प्रूवमेंट होगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे 11 में खरीदी गई थी प्रॉपर्टी और 23 में बेची गई थी, तो 24 महीने से ज्यादा था घर इनके पास, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा और इससे कोई भी इनकम आएगा उसमें इंडेक्सेशन निकलेगा, ठीक। कंप्यूट मिस्टर पीज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मिस्टर पी का हमको कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है, लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा है। अज्यूमिंग दैट मिस्टर ओ हैड अक्वायर्ड दिस प्रॉपर्टी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,40,000 इन 2001-02 एंड फर्दर स्पेंट रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द सेम ईयर ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो देखो भाई, मिस्टर पी को ये घर किससे वसीयत में मिला है, ओ से, और मिस्टर ओ ने इसी प्रॉपर्टी को 2001-02 में परचेज किया था 1,40,000 रुपए का, ठीक। और 2001-02 में ही 15,000 रुपए इम्प्रूवमेंट पे खर्च किया था, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे जब 1 जून 2011 को मिस्टर पी को वसीयत में ये घर मिला था, उस समय का प्राइस तो हमको बताया नहीं गया है। तो जिस प्राइस पे मिस्टर ओ ने इस घर को खरीदा था 1,40,000, उसी प्राइस को हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। समझ में आ गया बात को। आगे जो लिखा है कि 2001-02 में 15,000 रुपए का इम्प्रूवमेंट कराया था, इसको आप लेस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाल के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी इम्प्रूवमेंट, देखो, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 इट शैल नॉट बी डिडक्टेड। 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर इम्प्रूवमेंट पे खर्चा हुआ है वो नहीं डिडक्ट होगा। यहाँ पे ये ईयर पढ़ो क्या लिखा है, 1-2, यानी कि 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31st मार्च 2002 इसके बीच में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए ये कंसिडर होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। आगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है, 11-12 का 184, 23-24 का 348 और 1-2 का नहीं भी दिया होता तो आपको 1-2 का मैंने याद करने के लिए बोला था 100, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 6 का। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे लिख दो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, ठीक है। सबसे पहले सेल्स प्राइस लेते हैं, तो कितने की बेची गई है, 7,50,000 रुपीज। तो लिखो सेल्स और सीधे आउटर कॉलम में 7,50,000, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, यानी कि कमीशन या ब्रोकरेज ऑन सेल्स, दोनों ही नहीं है तो यही हो जाएगा आपका नेट सेल्स, ठीक। फिर लेस करते हैं हम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 1 जून 2011 को इन्होंने लिया था और 30 नवंबर 2023 को बेचा था, 24 महीने से ज्यादा कोई भी घर रहता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानते हैं, उस पर इंडेक्सिंग निकलती है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने बोला था, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नहीं दे रखा है तो हम 2001-02 वाले ही कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एसेट मानेंगे। तो 1,40,000 कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू सेल ईयर इंडेक्स कितनी है, सेल ईयर इंडेक्स है भाई 23-24 में बेची है ना इन्होंने, तो 348 है सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। परचेज का हम मानेंगे 2011-12 वाला, ठीक है। तो 11-12 में कितना है इनका परचेज, सॉरी हम 11-12 वाला परचेज नहीं मानेंगे। देखो
भाई यहाँ पे 1 जून 2011 को इनको विल में मिली थी। अब यहाँ पे कुछ बताया होता तब हम 11-12 का यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो लिए होते, क्योंकि 11-12 का प्राइस होता। लेकिन आप क्वेश्चन में देखो, हम यहाँ पे बताया गया है कि ओ ने एक्वायर किया था, ओ ने खरीदा था 2001-02 में इस प्रॉपर्टी को 1,40,000। कॉस्ट ऑफ एसेट के नाम पे हमारे पास केवल यही वैल्यू है, तो इस 1,40,000 को हमने यहाँ पे ले लिया। जब हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं 2001-02 का, तो हम इंडेक्सिंग भी तो 1-02 का ही लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो 1-02 का इंडेक्सिंग कितना है? 100 है, ठीक? कंफ्यूज मत होना इस चीज में। देखो, 1 जून 2011 को इन्हें वसीयत में मिली थी मिस्टर पी को ये प्रॉपर्टी, लेकिन 1 जून का 2011 का हमको कोई भी प्राइस नहीं पता है। हमको ये पता है कि 2001-02 में इतना प्राइस था, तो जब 2001-02 का प्राइस लिख रहे हैं तो 2001-02 का इंडेक्सिंग भी लिखेंगे, ठीक? कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, ठीक? 1,40,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 4,87,200, ठीक? इसको अभी आप इनर कॉलम में लिखो, 4,87,200, ठीक है? फिर उसके बाद आप लेस करोगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो एक इंप्रूवमेंट यहां पे 2001-02 का भी बताया गया है, और 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ कोई भी इंप्रूवमेंट आप यहां पे लोगे, तो ये 2001-02 में है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इससे, ठीक? 1 अप्रैल 2001 तक नहीं लेते हैं, और ये 2001-02 यानी कि 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2002 के बीच में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो आप कंसिडर करोगे। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 15,000 का हुआ था इंटू सेल ईयर इंडेक्स 348 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, सॉरी अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स। तो इंप्रूवमेंट हुआ है 2001-02 में। फिर से देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स, ठीक है? तो 2001-02 में इंप्रूवमेंट हुआ था, तो 100 लिख दिया हमने, 15,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 52,200। अभी यहीं पे हमको नहीं रुकना है, अभी और भी है। उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट हुआ है 2011-12 में, तो वो भी हम लेस करेंगे। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हमने लिख दिया है, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और ये भी मैंने दोबारा लिख दिया है, इसको भी ना लिखते आप सीधे यहीं पे कैलकुलेट कर देते तो भी चल जाता, मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है? तो कितने की इम्प्रूवमेंट हुई है? 36,800 रुपए की। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स, ये वाली इंप्रूवमेंट हुई है 2011-12 में, तो 2011-12 का इंडेक्सिंग क्या है? 184, ठीक? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स 36,800 इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स, ये हो गया 69,600, ठीक है? इन तीनों को आप ऐड करके आउट ऑफ कॉलम में लिखो, 4,87,200 प्लस 52,200, उसके बाद 69,600, ये हो गया 6,09,000, इसको बाहर लिखो आप, और सेल्स में से लेस कर लो आप, तो 7,50,000 माइनस 6,09,000, ये हो गया 1,41,000, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स।